नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक मोनिका कुमारी से सुने समाचार। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार। वैशाली जिला के बली गांव थाना परिसर में 62वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री पारसनाथ अपर पुलिस निदेशक बिहार एवं विशिष्ट अतिथि श्री पंकज सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, वैशाली पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, एडिशनल एसपी एसडीपीओ पूनम केशरी के साथ फातेपुर विधायक लखींद्र पासवान की उपस्थिति में तीन जिलों के पुलिस पदाधिकारी को उनके बेहतर कार्य के लिए वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहीद पशुपतिनाथ स्मारक समारोह के इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित एडीजी सर, विधायक जी फातेपुर के, डीएम मैडम, माननीय नागरिकगण, आप सभी को इस बात पर गर्व है कि यहाँ के एक पुलिस पदाधिकारी जो बलीगांव थाना में कार्यरत है, उनके द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया गया और वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान शहीद हुए। आज उनका 62वां पुण्य दिवस हम मना रहे हैं। भरे कर्तव्यता का गुणगान हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। प्रसन्नता की बात है कि 1960 से इस आयोजन की शुरुआत हुई, वह निर्वाध रूप से आज तक बरकरार है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम हर साल नए नए विचारों के साथ चलता रहेगा। वीर शहीद पशुपतिनाथ जी के परिवारगण, उनके नातगण हम लोग के बीच में मौजूद हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, गाँव के निवासी लोग, यहाँ उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी जिनको सम्मानित किया जाएगा, मीडिया के भाई बंधु एवं अन्य सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले ये एक अनवरत कार्यक्रम है जो 62 साल से चलता आ रहा है। अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। पिछले 2 वर्ष से यह इस परिसर में, इस जगह पे नहीं हो पाया था, ड्यू टू कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस थी और जो रेस्ट्रिक्शन फोर्स हुए थे। तो 4 जिलों के अफसर को यहाँ पे लिया गया है। मुझे बताने में बहुत खुशी है चीफ गेस्ट सर को कि सर 38 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को चुना गया है, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में अपने 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 फील्ड्स में अच्छे कार्य किए हैं, जिनको कि आज सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अधिकार है व्यक्ति की अभिव्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति किया जाती है, लेकिन लोग अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों के प्रति जब वफादार होते हैं, तो कभी कभी अधिकार के दौर में पाने के प्राप्ति में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति समझ सकते हैं, हम लोग 1959 में जिस समय हम समझते हैं कि वैशाली हमारा जिला भी नहीं था और मुजफ्फरपुर उस समय जिला था, और उस समय फातेपुर अपना बलीगांव थाना नहीं था, उस समय फातेपुर थाना, और पशुपतिनाथ जी 1959 में एक दरोगा के पोस्ट पर फातेपुर थाना में कार्यरत थे, और इस क्षेत्र में शांति कैसे कायम हो, फातेपुर में कैसे शांति व्यवस्था कायम हो, यहाँ के लोग कैसे स्वतंत्र जिंदगी अपने जिए, इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होते हुए अकेले उन्होंने दर्जनों असामाजिक तत्वों के साथ लड़ाई करके वीर गति का शहीद हुए, यह उनका एक कर्तव्य। लेकिन आज के स्थिति में कुछ लोग कर्तव्य अधिकार केवल समझ पाते हैं। अगर वो आप याद कीजिए, 1959 में यदि पशुपतिनाथ जी का कर्तव्य और अधिकार दोनों सामने होता, उनका अधिकार था, उनका कर्तव्य एक ये भी है, उनको उस समय समारोह में हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड एडीजी सर पशुपतिनाथ
रिस्पेक्टेड आईजी तिरहुत, पंकज सिन्हा सर, मंशा सिंह आरक्षी अधीक्षक वैशाली महोदय, एएसपी वैशाली, एसडीपीओ महुआ, माननीय विधायक पातेपुर रकेंद्र जी, यहाँ उपस्थित चार जिले से आए हुए पुलिस पदाधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सभी यहाँ इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं पशुपतिनाथ जी को नमन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। आरक्षी अधीक्षक महोदय द्वारा अभी उनकी वीरता के बारे में बताया गया है, उनकी वीरता के जिला प्रशासन के सभी लोग, हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम अपने कर्तव्य में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा वीरता से अपना जो जितने कर्तव्य दायित्व हमें दिया गया उसका हम सभी निर्वहन करेंगे। मैं आप सभी को पुनः इस दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और जो ये समिति है जो इसका संचालन करते हैं उसके अध्यक्ष एसपी साहब, सचिव एवं सभी समिति सदस्य को शुभकामनाएं देती हूं कि भविष्य में भी इस तरह का समारोह इसी उत्साह से आयोजन किया जाए ताकि हम सभी को हमेशा ही एक प्रेरणा मिलते रहे और हम सभी लोग अपने शहीदों को नमन कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें। धन्यवाद।